तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के ये दो न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और समझना थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन आपको एग्ज़ाम से गुजरना है, एग्ज़ाम देना है, अच्छे कॉलेज पाना है, तो हर एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये भी एक प्रकार का स्टेप ही है और अच्छे क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 खाने के, मतलब जो कह रहा है वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के जो 50 भाग हैं, ये पूरा थोड़ा सा हटा दो, 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर, समझना, जो वर्नियर कैलिबर्स है कि वर्नियर पैमाने के, ये याद रखना, 50 भाग वर्नियर पैमाने में कितने भाग हैं, वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है, पैमाने पर भागों की संख्या, क्या भागों की संख्या बराबर कितना है, 50। ठीक है, 50 मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर है, मतलब मुख्य पैमाने पे अगर 49 भाग है तो वर्नियर पे 50 होगा, कमी होता है ये वाला। अब क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर है। मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक कितना है, मुख्य पैमाने, समझना, पर पाठ्यांक कितना है, मतलब मुख्य पैमाने पे मापा गया पाठ्यांक 3.2 सेंटीमीटर आया है। वर्नियर का 16वां चिन्ह, वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया, जो वर्नियर पैमाने का 16वां चिन्ह था वह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में पाया गया, तो इसको याद रखना, कौन सा, 16वां चिन्ह। यदि मुख्य पैमाना अर्ध-mm में हो तो मुख्य पैमाने किसमें है, मुख्य पैमाना 1/2, अर्ध-mm मतलब अर्ध का मतलब आधा होता है, क्या समझे, अर्ध का मतलब आधा, अर्ध आधा mm मतलब 1/2। इसको देखो, ये सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करो, 0.5 mm, 10 से भाग दे दोगे तो सेंटीमीटर में मतलब 0.05 सेंटीमीटर, सही है, इतनी बात समझ। देखो अब तुम्हें करना क्या है, अल्पतमांक निकाल लो, अल्पतमांक, जब अल्पतमांक बराबर क्या होता है, मुख्य पैमाने पर एक भाग की लंबाई यही है ना, एक भाग की वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर, मुख्य पैमाना अर्ध-mm में अंकित है, अर्ध-mm मतलब एक खाना 1/2 mm, दूसरा खाना 1/2 mm, ट्यू करके, ठीक है, समझना, मतलब 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है, अर्ध-mm हो गया, और बटा वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या, वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या कितनी है, 50। तुम लोगों को मैंने अल्पतमांक निकालना बहुत अच्छे से सिखाया हूं, उसका लेक्चर्स भी मैंने दिया है, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आएगा, देखो जरा डिवाइड करो इसको, 5 50 × 10^2 कितना लिख सकते हैं, ये सही है, 1/2 मतलब 10, हाँ तुम्हारा 0.5, 10 से भाग देंगे 0.05, ये सही है, सही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 - 2, ये लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए, नीचे 50 है, ठीक है ना, अब बात को समझिएगा, क्या वैल्यू आ सकती है अगर हम एक इसमें क्या करें, ऐसे 50 लिख दें तो एक और बढ़ाना पड़ेगा, बटा 50 कैंसिल, मतलब 10^-3 एक गुड़, इसका मतलब क्या हुआ, 0.0, क्या, देखो मान लो एक लिखे ना तो 1, 2 और 3 अंक के बाद 10 लगना चाहिए, तो ये तुम्हारा आ गया अल्पतमांक, सही है, ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, तुमको कैलकुलेशन आता होगा कर लेना, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने उसमें। अब देखो, अब समझो बात को,
तुम्हारी जो प्रेक्षित लंबाई होती है वह क्या होती है, मुख्य पैमाने पे पाठ्यांक कितना लिया, साथ ही साथ प्लस कौन सा चिन्ह वर्नियर पैमाने का मुख्य पैमाने के सीध में है, गुणे अल्पतमांक। मतलब देखो, प्रेक्षित लंबाई, ये प्रेक्षित लंबाई हम लिखते हैं, इसका फार्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत प्यार से बताऊँगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारा क्या कि मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक, मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक, ठीक है, प्लस चिन्ह, कौन सा चिन्ह, 16वां चिन्ह, मैंने कहा ना वर्नियर का जौन सा भाग वाला चिन्ह मुख्य पैमाने के चिन्ह से मैच करेगा वह चिन्ह, गुणे अल्पतमांक। क्या? गुणे अल्पतमांक। अब देखो, ये अगर त्रुटि दिया है तो एक स्टेप आगे जाते हैं, मतलब तब निकालते हैं वास्तविक लंबाई। अगर त्रुटि दिया वास्तविक लंबाई, तो ये प्रेक्षित लंबाई हो गया, वास्तविक लंबाई बराबर प्रेक्षित लंबाई प्लस माइनस त्रुटि। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें त्रुटि नज़र नहीं आ रही है, तो इस स्टेप को हम छोड़ देंगे। यहाँ अगर दे देता कि प्लस इतना त्रुटि है 2% प्लस 3% त्रुटि है तो नहीं लगाते, वो भी त्रुटि अगर प्लस में दिया तो माइनस में रखते, माइनस में दिया तो प्लस, तो ये स्टेप नहीं छोड़ेंगे। ये जो प्रेक्षित लंबाई होगी यही तुम्हारी वास्तविक लंबाई हो जाएगी, जब त्रुटि है ही नहीं तो यही तुम्हारी वास्तविक लंबाई हो जाएगी। बराबर मुख्य पैमाने पर कितना है, 3.2 सेंटीमीटर प्लस 16 गुणे 0.001, सही है ना। अब आ जाओ भाई, 3.2 प्लस 16 से गुणा कर दो ना, क्या आ जाएगा, 0.016, सही है, जोड़ो जरा, हाँ 6, 1, 2 और 3, ये तुम्हारा आ गया, मतलब जो वास्तविक लंबाई तुम्हारी होगी 3.216 होगी मुख्य पैमाने के सीध में। वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के सीध में है, तो मुख्य पैमाना अर्ध एमएम में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई इतना मीजर करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। समझे कि नहीं सर, बहुत इजी है, बस आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों त्रुटि में दिएगा तो एक स्टेप और बढ़ जाना आगा, प्रेक्षित लंबाई जो निकाले हो, ये प्रेक्षित लंबाई जो निकाले यहाँ रख देना, अगर त्रुटि इसमें प्लस में देगा तो इसमें माइनस में रखना, अगर इसमें माइनस में दे इसमें प्लस में, समझ गए ना, बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट साथियों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। चलिए थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ, बराबर 0.001, ठीक है, सही है। आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, मैं ये आई होप आपको समझ में आ गया। देखो, अच्छे स्टूडेंट हमेशा न्यूमेरिकल पे फोकस करते ही करते हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट की एक यही कहानी है कि एक न्यूमेरिकल पे फोकस करना, उनको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और न्यूमेरिकल तभी आता है जब थियोरी अच्छे से पढ़े रहोगे, फार्मूले अच्छे से याद होंगे, उनके जो यूनिट है वो भी अच्छे से याद होंगे, तब आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ओके। नहीं तो दिमाग क्या हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है वाला। ये क्वेश्चन कह रहा है वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर है तथा वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9 mm हो, तो वर्नियर स्थिरांक क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का लो, फिर मैं उसको समझाता हूं तुम्हें। तो साथियों, ये मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई 0.9। सॉल्यूशन देखो बहुत इजी है, अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक जो होता है मुख्य पैमाने का एक भाग, मुख्य मैंने उस वीडियो में बताया, तो वीडियो में भेजूंगा, का एक भाग की लंबाई माइनस वर्नियर पैमाने पर एक भाग की लंबाई, वर्नियर पैमाने पर एक भाग की लंबाई, समझना, मुख्य पैमाने पे भाग की लंबाई कितना है,
0.1 सेंटीमीटर, लेकिन वर्नियर पर 0.9 mm है। क्या है? 0.9 mm। तुमको पता है एक सेंटीमीटर बराबर अगर 10 mm तो 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। गुणा कर दो इसी में, हाँ, या तुम mm को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसका गुणा कर दो या 1/10 से भाग दे दो, 1/10 से भाग दे दो। क्या आएगा, क्या आएगा साथियों? देखो 0.09, या गुणा कर दो 0.1 का, सेम यहाँ रख दो 0.09। अब इसको घटा दो, माइनस करो 0.09, ठीक है। देखो क्या आएगा, एक आ जाएगा 9.1। सही है, सही है कि नहीं? कैलकुलेशन सही भाई? मुझे कैलकुलेशन नहीं आता, चेक कर लेना एक बार अपने आप को। क्या करोगे? अपने आप को एक बार चेक कर लेना, मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये तुम्हारा आपका इसका जो आंसर्स होंगे आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कहीं दिख रहा है मिस्टेक्स? चलो आओ फिर से कर देता हूँ, इसको तुम चेंज कर लो। सिंपल सी बात ये करो, 0.10 0.09। अच्छा बताओ इसका सीधा सीधा क्या बचेगा आंसर, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करो, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, तब तक मैं लिखता रहूंगा, ठीक है। इसका मैं आंसर्स बता देता हूं तुरंत के तुरंत, आप एक बार इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बोला ना इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों चलो ये देख लो तुम सीधे सीधे 0.01। पहला कैलकुलेशन गलत था, आपको मैंने कहा था पहले ही कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। इफ़ यू वांट टू सॉल्व द ऑल द क्वेश्चंस न्यूमेरिकली यू विल हैव टू फोकस ऑन द कैलकुलेशन, फोकस ऑन द फार्मूलाज एंड फोकस ऑन द थियोरेटिकल पोर्शन। इफ़ यू गोइंग टू इन द शॉर्ट यू विल रून, बर्बाद हो जाओगे। अगर शॉर्ट में जाओगे, इजी इजी क्वेश्चंस पे जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो कैलकुलेशन को मजबूत करो हर जगह, मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, थियरी मजबूत होना चाहिए, कोई चीज़ करना है तो साथ ही साथ फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों एक क्वेश्चन मैं और कराने वाला था लेकिन उसको नेक्स्ट पार्ट में कराने की सोच रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन वो भी है। तो आप इस पार्ट को पहले इन्जॉय करो, अच्छे से समझो, ये क्वेश्चंस कर लेना, ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऑल द बेस्ट रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जिनको पटना बैच बिहार वाले या रांची वाले, झारखंड वाले रांची बैच से जुड़े, उनको क्या करें, कॉन्टैक्ट करें इस पर क्या कर लें, व्हाट्सअप करें, एक नंबर इस पर है, ये भी व्हाट्सअप करें, ठीक है। जबरदस्त तैयारी करवाई जाएगी आप सबकी, 1/1, 1/1। तो साथियों ये रहा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।